अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं फ़हीम। वेलकम टू फ़हीम ब्लॉग। साथियों, ये जो बकरी है इसका समय पूरा है, ब्याने के बहुत ज़्यादा करीब है और 3 से 4 घंटे हो गए हैं। बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है। टाइम ना होने की वजह से हम इसके पास जल्दी ना पाए, लेकिन अब आए हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसकी कंडीशन है। साथ में हमने इसको हाथ डाल के जो चेक कर रहे हैं, पिछला पैर है, दूसरे पैर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये, क्योंकि ये बच्चा जो है उल्टा है और उल्टी ही बकरी जो है जोर लगा रही है। और साथ में जो कंडीशन है इसकी, इसके पेट में बच्चे जो है मर गए हैं। मरने के साथ साथ ये जो है फीटस फूल रहा है। फूल अगर बच्चा जाता है तो साथ ही बकरी की जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है, क्योंकि उसमें बकरी, एक तो सबसे पहले जब बच्चा फंस जाता है तो बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है हमें उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि बकरी को अगर ज़्यादा जोर लग जाते हैं तो मांसपेशियां खिंच जाती हैं और बकरी की डेथ हो जाती है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हम इस बच्चे को निकालेंगे। लगभग इसमें 2 से 3 बच्चे हैं और सभी को हम निकालेंगे। तो ये बकरी का जो बच्चा है ये उल्टा है, तो उल्टे की कंडीशन जो होती है, सबसे पहले हम एक एक करके दोनों पैरों को निकालेंगे। अगर पेट में पानी भरा है तो उसे पंच कर देंगे निडल की सहायता से, तो पानी जो है फूट जाएगा बच्चे का और बच्चा आसानी से निकल जाएगा। तो कंडीशन क्या बनी थी, कंडीशन ये बनी थी कि इसको बिल्कुल सही समय था ब्याने का, और पशुपालक ने बताया कि इसका सही समय था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उनका मानना जो है, उन्होंने बताया कि ये बाहर बंद रही थी और बच्चे जो है बैट बॉल खेल रहे थे, तो किसी बच्चे ने इसको बैट शायद मार दिया था, ये ऐसा उनका मानना है। और तभी से बकरी बहुत ज़्यादा सुस्त थी, और उनका मानना यह है कि बकरी जो है बैड पेट में बैड लगने की वजह से, जो बैड बॉल होते हैं उसको लगने की वजह से, डंडा लगने की वजह से जानवर जो है उसके बच्चे ख़त्म हो गए हैं, ऐसा उनका मानना था। तो साथ ही ऐसी कंडीशन में जब जानवर के बच्चे पेट में ख़त्म हो जाते हैं, तो अफारा जो आता है, जब जानवर के पेट में बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, अफारा 2 से 3 दिन में आता है और साथ में बदबू भी आने लगती है और जानवर ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, तो उसको पेशाब बार बार करने लगता है, पूंछ उठाने लगता है और बेचैन हो जाता है जब बच्चे जानवर के पेट में ख़त्म हो जाते हैं। तो इस बकरी को ऐसे सिम्टम्स बिल्कुल नहीं आए। जब ब्याने का टाइम करीब था, मुतेड़ी आ गई थी और पीछे जो ये टांग है इस तरह से ये बुरी तरह फंसी हुई थी और बकरी बहुत ज़्यादा जोर लगा रही थी। तो साथियों, ये कंडीशन काफ़ी पेनफुल हो जाती है और हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक ये बच्चे को निकालेंगे। और ऐसी कंडीशन में हमें स्प्रिट वगैरह या बिटाडिन वगैरह का लिक्विड अपने हाथों पर लगा लेना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो साथियों, और बच्चा इतनी बुरी कंडीशन में फंसा हुआ है, क्योंकि गर्दन और दोनों पेट दोनों ही इसमें जो है बिल्कुल मिले हुए थे और बकरी बहुत ज़्यादा परेशान है। और बहुत ही धीरे धीरे हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करके उसको चिकनाहट दे के आराम से निकाल रहे हैं कि जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो जब भी आप बच्चा निकाल लें तो सबसे पहले कोई चिकना पदार्थ ले लें और अच्छी तरह उसके जानवर के यूट्रस में, बच्चेदानी में, मूत्र मार्ग में अच्छी तरह उसको मस्टर्ड ऑयल या कोई भी चिकना पदार्थ लगा के उसको चिकना कर लें। ऐसे क्या होगा साथियों, जानवर जो है जल्दी फिसल जाएगा और जल्दी ही जानवर खिंच जाता है। तो हम इसको गोलाई में मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे, हमें कभी भी ऐसी कंडीशन में हमें जो है जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि बकरी की जो जान का पूरा खतरा रहता है। तो अगर, हालांकि बच्चा खिंच तो जाएगा, लेकिन जो है इतनी जल्दी नहीं करनी है। अभी बच्चा लगभग हमें जो देखने को मिल रहा है, ये कम से कम 24 से 36 घंटे का जो है डेड हो गया है और साथ में मुंह पे भी सूजन आ रही है और पीछे तो बहुत ज़्यादा फूल गया है साथियों। और बकरी इसीलिए ज़्यादा परेशान थी। और अभी इसमें फ़िलहाल 2 ऑलरेडी बच्चे हैं जो अभी आपको दिखाएंगे। एक बच्चा हमने निकाल दिया है और काफ़ी भयंकर इसकी कंडीशन है जो देखने को हमें मिल रही है। अब दूसरा बच्चा इसको निकालेंगे। तो ऐसी कंडीशन में सभी का सवाल रहता है कि हमारे जानवर की जो जेल है वो कब तक गिरेगा, कब तक नहीं गिरेगा, इसके बारे में हम जो है बाद में बात करेंगे। तो साथियों, दूसरे बच्चे का निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पहले भी बता चुका हूं, जानवर को जब भी निकालना है, अगर उसको सबसे पहले अगर फर्स्ट रूट में है, यानी दोनों अगले पैर और मुंह, इस तरह कंडीशन में अगर आपको महसूस हो रहा है तो अच्छी कंडीशन में आप बकरे को खींच रहे हैं। अगर उल्टा सीधा पांव खींच रहे हैं तो जानवर फंसने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी बकरा जो है 2 दिन का, लगभग 24 से 36 घंटे का डेड हो गया है।
और शुक्र तो यह है जानवर बकरी इस टाइम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काफी समय से जानवर बकरी जो है जोर लगा रही थी। शुक्र है अल्लाह ताला का कि बकरी इंशाल्लाह जल्द ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा कुछ खेचतानी नहीं करनी पड़ी। और जल्द से जल्द हम किसान पशुपालक ने ध्यान दे दिया कि बकरी के बच्चे जो है मरे हुए हैं पेट में, ऐसा उनका मानना है। तो साथियों बकरी जो इन्होंने डाले हैं, खास बात यह है दोनों बकरी दोनों ही जो बच्चे हैं वो दोनों ही मेल हैं यानी बकरे हैं, और एक सिरोही नस्ल का है दूसरा भी सिरोही नस्ल का है, और काफ़ी अच्छी लेंथ है बकरों की और काफ़ी खूबसूरत बच्चे हैं। तो साथियों बच्चे जब अच्छे होंगे अच्छी की नस्ल के होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है पशुपालक को, क्योंकि उसकी ग्रोथ में जानवर के जो बच्चे होते हैं ग्रोथ जब बढ़ेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत वेट गेन करता है, और जब उनको कुर्बानी का टाइम आता है तो अच्छे पैसे मिलते हैं और काफ़ी हेल्थी जानवर हो जाता है। तो साथियों बच्चों का तो थोड़ा ये रहता है कि जब भी बकरी की डिलीवरी हो तो जानवर अच्छे बच्चे दे, अच्छे नस्ल के बकरे दे तो बहुत अच्छा लगता है सभी को। और देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत कलर आया है इसको, बिल्कुल लाल है। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।